पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। मुरादाबाद जनपद में भी समाजवादी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के पूर्व जिलाध्यक्ष जुबैर असद ने साइकिल रैली निकाली, जिसमें समाजवादी सरकार में किए गए विकास कार्यों को जनता तक जानकारी देने के लिए साइकिल रैली निकाली जा रही है। मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक साथ इकट्ठा होकर जनपद में साइकिल रैली निकाली। यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर साइकिल रैली निकाली गई। विकास कार्य के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, इसी का दावा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। हालांकि इस दौरान पुलिस के द्वारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रैली निकालने से रोक दिया गया। आमिर मंसूरी नाम है, मैं यूथ का अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। अनिल जी, क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज हमारे शीर्ष नेता यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार एक साइकिल रैली, जो कि समाजवादी सरकार में जो हमने 2012 से 2017 के बीच में कार्य किए थे, उन कार्यों को गिनाने के लिए, जैसे कि हमने हमारी सरकार में डबल फाटक का पुल बना था, प्रेम बंडरलैंड का पुल बना था, बानपुर का पुल बना था, बहुत सी विकास योजनाएं समाजवादी सरकार में की गई थी, उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग यहाँ से साइकिल के माध्यम से निकल रहे थे और लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं। रैली आपकी कहाँ से कहाँ तक निकली? देखिए, हमारी रैली का रूट यही था, जानवर अस्पताल से स्टेशन, स्टेशन से डबल फाटक तक, और आगे हम एक ब्रेम बंडर लाइन का पुल है वहाँ तक जाना था, लेकिन प्रशासन देखिए किस तरीके से हमें जाने की अनुमति नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि साइकिल रैली नहीं निकलेगी, जबकि हम शांति बताया जा रहा है कि अनुमति मिली गई आपने। देखिए, ये कोई धरना या प्रदर्शन नहीं है। एक होता है धरना प्रदर्शन, तो कोई ऐसा है नहीं कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम तो सिर्फ चार साइकिल लेके अपना एक जान निकल रहे थे कि अपनी योजनाएं को बताने के लिए लोगों के लिए, जैसे हमने जो भी काम सरकार में किए हैं उन योजनाओं को बताने के लिए। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी यूथ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अनीस राजा जी के आह्वान पर आज सभी समाजवादी यूथ के कार्यकर्ता, जो समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में मुरादाबाद में विकास कार्य हुए, जैसे आप संबल चौराहे का पुल देखिए, घंटों लोग जामों में लग जाते थे, जब कोई बच्चा स्कूल से या कोई नौजवान अगर कहीं अपनी नौकरी पर जाता था तो दो दो घंटे जाम का सामना करना पड़ता था, और माननीय अखिलेश यादव जी ने उसके दर्द को समझा और आज मिगलानी से लेकर कटघर थाने तक जो ब्रिज बनाया है वो समाजवादी पार्टी 2012 से 2017 की सरकार में था। इस तरीके से वंडरलैंड का एक पुल है जहाँ ट्रेनें गुजरती थी और लोग जामों में फंस जाते थे, उस पुल को बनाने का काम किया। आज हम उन्हीं नीतियों को जन जन तक पहुँचाना चाह रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद का प्रशासन हमें आगे बढ़ने से नहीं डर रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार डरी हुई है समाजवादी के कामों से, कि जनता पूरी तरीके से बौखला चुकी है इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए, और हम जाएंगे और हम अपनी नीतियां जो हमारी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने करी है, हम उसको जन जन तक पहुँचाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।